गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और आज मैं अपनी खुद की गाड़ी से जा रहा हूँ। रीजन ये है कि शाम को ऑफिस के बाद कुछ तो प्लान है, अब वो क्या प्लान है आपको शाम को ही पता चलेगा। नॉर्मल डेज में मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना प्रीफर करता हूँ और मुंबई में ट्रैवल करने के लिए लोकल ट्रेन ही सबसे बेस्ट है। आज मैं अपनी खुद की गाड़ी से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि शाम को कुछ तो प्लान है भाई, शाम को पता चलेगा आपको। रात को आने के लिए मुझे 2-3 बजेंगे तो उस टाइम पे लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं रहेगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं नहीं चाहता भाई कि कोई रिस्ट्रिक्शंस रहे कि 1 बजे की लास्ट ट्रेन है या 12 बजे की लास्ट ट्रेन है। गाड़ी रहेगी अपने हिसाब से, मैं निकल सकूंगा वहां से, तो इस वजह से मैं अपनी खुद की गाड़ी से जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर सीएनजी फुल कर लेते हैं। ये कलंबोली अभी मैं पहुंच चुका हूं। आगे मेरे सिर्फ 5-6 गाड़ियां आई थी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये वाला खास करके ना सिर्फ सीएनजी स्टेशन ही है, यहां पे पेट्रोल वगैरह नहीं मिलता है, पेट्रोल डीजल, और यहां पर गाड़ियां फटाफट फिल होती है। बट आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, ये वाली लाइन जा ही नहीं रही है, वो वाली लाइन फटाफट जा रही है। रुपए का सीएनजी गया भाई यहां पे। तो मुंबई और मुंबई के बाहर सीएनजी भरने में यही डिफरेंस आता है। यहाँ पर गाड़ी मेरी एकदम खाली थी, मतलब बाटला एकदम खाली था सीएनजी का, उसके बाद भी 550 में काम हो गया, फुल हो गया। अभी मैं पहुँच चुका हूँ खारगढ़ और यहाँ से मेरे ऑफिस जाने के लिए अभी भी कितना 1.5-2 घंटे तो लगेंगे, आराम से लगेंगे, उससे कम नहीं लगेंगे। सुबह सुबह का टाइम है तो 1.5-2 घंटे में पहुँच जा रहा हूँ। अगर यही पीक टाइम होता ऑफिस का ना, 9 बजे के बाद निकलता या फिर 8 बजे के बाद भी निकलता, तो वहीं पर मुझे 2.5-3 घंटे आराम से लगते थे। और इसी के साथ बात करते करते मैं बेलापुर भी पहुँच चुका हूँ। नवी मुंबई फटाफट निकल जाता है, इधर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी देखो खारगढ़, खारगढ़ से बेलापुर, बेलापुर से अभी निरुल भी आ जाएगा, उसके बाद सनपाड़ा वासी होते हुए जहां नवी मुंबई क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा गाड़ी स्लो हो जाता है। अभी मैं नेरुल वाले ब्रिज पे हूँ और यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा आता है, और हल्की हल्की सनलाइट पड़ रही है रोड पे ना, तो और बढ़िया वीडियो आ रहा है गाइस। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं वासी वाले टोल प्लाजा पे। पहले यहां पे बहुत गंदा वाला ट्रैफिक लगता था भाई, बहुत गंदा वाला, मतलब ये मैनेज नहीं हो पाता था यहां का ट्रैफिक, बट अभी काफ़ी हद तक ये मैनेज हो चुका है। अब गाड़ियां सीधा जगह पे पहुंचती है भाई, नहीं तो पहले तो 1 किलोमीटर पहले से ही गंदा वाला जैम लगता था यहाँ पर। ये देखो गाड़ी सीधा जगह पर आ गई, और सुबह सुबह का टाइम है तो उतना ज़्यादा क्राउड है भी नहीं इस समय। सो गाइज, अभी फ़िलहाल मैं वासी वाले ब्रिज पे हूँ और इस वाले ब्रिज को भी एक्सटेंड करके आई थिंक 12 लेन का बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये 6 लेन का है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर जो ट्रैफिक लगता था वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा भाई। अब जैसे जैसे रोड बन रहे हैं, जैसे जैसे नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं, वैसे वैसे नई नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं। इस ब्रिज से मुझे यहाँ से राइट लेना है, अगर यहाँ से सीधा जाएंगे तो चेंबर पहुँच जाएंगे, और आगे से लेफ्ट मारेंगे तो सीधा मुंबई फोर्ट पहुँच जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए, मरीन ड्राइव जाने के लिए आगे से लेफ्ट है, तो यहाँ से भाई लेना है मुझे राइट, और यहाँ पे आरटीओ वाले होते हैं 100%। ये देखो है भी, कैमरा नीचे रख लेता हूँ गाइस, नहीं तो ये लोग कैमरा तो डैशबोर्ड पर मैंने माउंट करके रखा है, माइक नीचे रख लेता हूँ। और ये वाला नया ब्रिज बन चुका है, पहले ये ब्रिज नहीं बना था, तो यहाँ पर ही मुझे 30-40 मिनट्स लग जाते थे क्रॉस करने के लिए, क्योंकि नीचे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, और ये ब्रिज बन जाने की वजह से 10 मिनट में अपन क्रॉस कर लेंगे इसको। और इस वाले ब्रिज पे 50 का स्पीड लिमिट है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, तो मैं भी ज़्यादा रूल ब्रेक नहीं करूँगा, उसके ऊपर चला के यहाँ पर मतलब भी नहीं है। और यहाँ से स्लाइटली मुझे लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक नया ब्रिज का निर्माण हो चुका है, जो कि गलती से अगर मैं चढ़ गया तो रिटर्न बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सामने ये जो दिख रहा है ना, पवई, मुलुंड, थाने, ये नया भी ब्रिज बन चुका है, तो इधर अपने को नहीं जाना, अपने को लेफ़्ट साइड से निकालना है गाड़ी। तो यहाँ से लेफ़्ट ले लूँगा गाइस मैं, और अब जो आगे ब्रिज लगेगा ना, एक तो कुर्ला स्टेशन के लिए चले जाएगा, एक चले जाएगा सीधा एयरपोर्ट रोड के लिए, गोरेगांव के लिए, तो अपने को वही वाला रोड पकड़ना है। और ये वाला ब्रिज भी मुझे लगता है कि नया नया ब्रिज बनाया गाइज, और यहाँ से जो व्यूज़ है वो बड़े अल्टीमेट है गाइज, सही लग रहा है भाई। ये वाले ब्रिज पे मैं पहली बार आया, बढ़िया लग रहा है भाई। अब ये नया वाला ब्रिज वापस से देखते हैं कहाँ पर कनेक्ट करता है, इससे पहले मैं जब ट्रैवल करता था यहाँ पर, ये कहाँ जा रहे हैं भाई पता नहीं।
अभी तो सीधा ही दिखा रहा है मैप में। अब ये वाला ब्रिज भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक सॉर्ट आउट कर देगा, और इस पर जो स्पीड लिमिट है वो है 30 का, 30 के ऊपर आप नहीं चल सकते इस पर, लेकिन चलने वाले तो 60 70 80 भी चल रहे हैं भाई। देखो अब ये सीधा कनेक्ट करेगा मुझे मेन हाईवे पे, जो सीधा राइट मार के अपने को कनेक्ट करेगा मलाड़ गोरेगांव कांदीवली एयरपोर्ट। सो गाइस जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैं टेक महिंद्रा में काम करता हूं पिछले 3 साल से, उससे पहले मैं ओयो रूम्स में था, उससे पहले मैं housing.com में था, तो ओवरऑल मुझे 10-11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और गाइस जब भी मैं ऑफिस की वीडियो डालता हूं ना, तो लोगों के भर भर के कॉमेंट आते भाई कि जॉब दिला दो। तो यार देखो जॉब दिलाना मेरे हाथ में नहीं है, आपके अंदर कोई तो क्रिएटिव स्किल होना चाहिए। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो आप वीडियो एडिटर हो सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे हो सकते हो, PHP डेवलपर हो सकते हो, या फिर UI/UX डिज़ाइनर हो सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हो, इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव स्किल है तो आप अपना CV मुझे शेयर कर सकते हो, मेरी कंपनी में अगर भाई कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। यहाँ से बोरीवली कांदीवली मलाड़ गोरेगांव सब सीधा दिखा रहा है। सो गाइस धीरे धीरे ना क्राउड देखो राइट साइड वाले रोड पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो बोला था ना जैसे ही 8-9 बजते हैं ना, अभी तो 9 बजे भी नहीं है, 8:15 बजने वाले हैं, और गाड़ियां बढ़ना स्टार्ट हो गई रोड पे। आगे से यहां से लेफ्ट लेना है, ये देखो ये रास्ता दिख रहा है, यहां से भी लेफ्ट लेंगे तो जो फिल्म सिटी है वहां के लिए जा सकते हैं। ये देखो और भी दिख रहा है, और मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे लगभग। ये लेफ्ट साइड में भाई इन ऑर्बिट है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, और राइट साइड में अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और यहाँ से भी फिलहाल मुझे सीधा जाना है। यहाँ से मात्र 2 मिनट के डिस्टेंस पे मैं हूँ, 2 मिनट में भाई अपन अपने ऑफिस में पहुँच जाएंगे, और बहुत जल्दी आ चुका हूँ मैं। इधर से राइट जाना है और ये पासेस मुझे दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जाने नहीं देंगे। सुबह सुबह पूरा खाली हुआ पड़ा है, नहीं तो ये सारी एरिया ना पार्किंग से भर जाते हैं। अभी मेरे को जगह मिल जाएगा यहाँ पर। तो भाई ये वाला पास दिखाना पड़ता है, इसको मैं कार के ऊपर इसलिए स्टिक नहीं करता क्योंकि गाड़ी कभी कभी लाना होता है, नॉर्मल तो मैं ट्रेन से ही आता हूँ, तो इसको मैं बैग में ही रखता हूँ भाई। तो फाइनली अभी टाइम कितना हो रहा है भाई, 9 भी नहीं बजे अभी तक, 9 बजे के पहले ही मैं पहुँच चुका, और मेरा ऑफिस टाइम 11 बजे से होता है, इतना जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी, है ना। कोई भी नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल। सो गाइज ऑफिस के आसपास का एरिया देख लो एक बार, कुछ इस तरह का दिखता है। अभी तक 9 भी नहीं बजे हैं, तो यहाँ से चलते भाई ऑफिस के अंदर और फटाफट आज का काम ख़त्म करते, उसके बाद शाम को निकलेंगे पार्टी के लिए। और अंदर की साइड में कैमरा अलाउड नहीं है, तो भाई GoPro को मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा, और थोड़े बहुत क्लिप मैं जो रिकॉर्ड कर पाऊँगा वो फ़ोन से रिकॉर्ड कर पाऊँगा, तो क्वालिटी थोड़ा सा मैनेज करना। निकलते हैं यहाँ से, आज का काम ख़त्म करते, उसके बाद शाम को मिलते हैं आपसे। शाम के 5-6 बजे तक मैं यहाँ पर रहूँगा, उसके बाद भाई यहाँ से निकलेंगे संदीप के घर पे, आज भाई का बर्थडे है और आज उसके घर पे छोटी सी पार्टी है, तो वो सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे हम लोग वहाँ पर, और वहाँ से निकलने के लिए मुझे लगता है कि 2:30 बजेंगे रात को। और अब दोपहर के 1 बज गए थे, तो हम लोग कैंटीन में आ जाते हैं, और यहाँ का व्हाइट सॉस पास्ता मुझे बहुत पसंद है, तो ज़्यादा करके मैं यही खाता हूँ। और अब शाम के 6 बज गए थे, तो हम लोग निकल जाते हैं पार्टी के लिए। और रात को मुंबई सिटी बहुत ही ज्यादा सही लगता है।
भाई साहब यहाँ पर तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो रखी थी। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर समय का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। क्यों जा रहे हैं? अरे अभी नहीं जाना है आशा। और इस घर की एक और खास बात है कि यहाँ पर सारे कुकिंग करते हैं। इसको आता है सब कुछ बनाने? सब आता है। हमने घर पे चिकन नगेट्स पहली बार बनाए हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। आप लोगों को तो खुद का किचन ओपन करना चाहिए, सच्ची में बता रहा हूँ। मैं शादी से पहले कभी किचन में नहीं घुसी थी। लेकिन बहुत टेस्टी बनाते हैं आप। मुझे अरे मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं घर में खा रहा हूँ कि होटल में बैठ के खा रहा हूँ। सीरियसली टेस्ट करना, अभी देखते हैं कैसा। फिश मास्टर। और ये भाई साहब का ये पहला पार्टी है। ग्यारह बजने वाले। और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, इसमें कोल्ड ड्रिंक ही है। चीयर्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई यहाँ पर हमारा बिरयानी रेडी है खाने के लिए, है ना? ये मस्त है बिरयानी। और अब रात के 3 बज गए थे तो सब लोग निकल रहे थे अपने अपने घर के लिए। सारे शांत हो गए। गाड़ी का कलर वही है भाई। कलर चेंज किस हो गया? तेरा भी ऑरेंज था ना? नहीं नहीं ऑरेंज नहीं। कलर घर पे छोड़ गया। मेरे को रास्ता नहीं पता बाहर का। इसका बाहर का क्या है ना? इसको घर का रास्ता नहीं पता है। इधर से अरे लेट हिम फॉलो द कार नाउ। सो गाइज अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा अंधेरी साइड में आ गया था, सिटी के अंदर आ गया था स्टेसी को ड्रॉप करने के लिए। तो अभी ड्रॉप करके वापस से मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से पनवेल, और हाईवे कनेक्ट करते हैं भाई, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से फटाफट पनवेल के लिए। 3:30 बज रहे सुबह के। अब जब मैं निकला था सुबह सुबह मुंबई से पनवेल से मतलब, तो मैंने बताया था कि रात को मुझे 2-3 बजेंगे, और इस समय 3:30 बज रहे हैं भाई। और 2-3 घंटे से मुझे सोकर वापस से सुबह 7:30 बजे जाना है वॉलीबॉल खेलने। सो गाइस इसी के साथ मैं वाशी वाले टोल प्लाजा पे पहुंच चुका हूं, और यहाँ से भी 20 मिनट लगेंगे मुझे पनवेल पहुँचने के लिए। और अब गंदी वाली नींद आ रही है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, अब गंदी वाली नींद आ रही है। तो अभी घर पे जाएंगे और बिना सोचे समझे आराम से सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँच चुका था घर पे। उसके बाद 2-3 घंटे सोने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से वॉलीबॉल खेलने के लिए। वॉलीबॉल मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से वॉलीबॉल कोर्ट तक पहुँचने के लिए मुझे 5-10 मिनट लगते हैं। मैं रहता हूँ करंजाड़े में, और जो वॉलीबॉल कोर्ट है वो है कामोठे में। No, 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 no.
सुधर यार गेम पॉइंट है, उसको नहीं मार के ड्राफ्ट डालते यार।